राजा का आसन सिंहासन कब से हो गया जब से नृसिंह भगवान बैठ गए सिंहासन सिंह शिंग का आसन हो गया तो सिंहासन हो गया नहीं तो सिंह का आसन सिंहासन कहाँ से हुआ वो सिंहासन सिंह माने नृसिंह वो बैठ गए इसलिए वो सिंहासन हो गया नहीं तो राजासन था सिंहासन नहीं था राजासन था अब राजासन से सिंहासन हो गया क्योंकि नृसिंह भगवान उस पर विराजमान हो गए और क्यों विराजमान हो गए इसलिए विराजमान हो गए कि भगवान ने विचार किया कि मैं थोड़े ही समय पीछे थोड़े समय बाद मैं अपने भक्त प्रहलाद को मैं अपने भक्त प्रहलाद को इस आसन पर बिठाऊंगा और प्रहलाद जी मना करेंगे राजा बनने से कहेंगे मेरे पिताजी ने बहुत अन्याय अत्याचार किया है तुम चिंता मत करो मैं बैठ गया हूं मैंने बैठकर पूरे आसन को शुद्ध कर दिया पवित्र कर दिया अब तुम प्रेम से बैठ कर शासन करो राजा का आसन पवित्र नहीं होता अपवित्र होता है राजा का आसन अपवित्र होता है पवित्र नहीं होता है भगवान ने पवित्र कर दिया और अन्यथा नहीं माने अब तो राजा कोई है ही नहीं अब तो समूह राजा है जनता भीड़ वो चाहे जो कुछ करे न्याय अन्याय सब उसके हाथ में है और इतनी विचित्र परिस्थिति पूरे संसार की बन गई है दुनिया की देश की विशेषकर भारतवर्ष की ऐसी परिस्थिति बन गई है कि धर्म अधर्म न्याय अन्याय की बात ही लोगों की दिमाग से निकल गई केवल स्वार्थ केवल स्वार्थ कितने दुख की बात है कश्मीर में 370 समाप्त हो गई अब निरंतर हिंदुओं का वहां बध किया जा रहा मारे जा रहे हिंदू महात्मा लोग तो यहां कोई ना पखवार पढ़े ना समाचार सुने कोई जरूरत भी नहीं है लेकिन जो लोग अखबार या समाचार से जुड़े हुए हैं बताओ दुनिया भारत की किसी भी पार्टी ने आवाज़ उठाई बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तमाम पंडाल देवी पंडाल उजाड़ दिए गए मूर्तियां तोड़ दी गई इस्कॉन मंदिर के एक साधु की हत्या कर दी गई जो केवल 25 साल का था पीट पीट करके मार डाला गया कोई कुछ बोल रहा है भीड़ ने पीट पीट कर लोगों को मार दिया उनके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा है अब कोई मर गया तो उसके लिए सब एकजुट हैं ना कहीं न्याय रहा ना कहीं धर्म रहा और ये जो दुर्दशा हुई है इस देश की इस समाज की उसका मूल कारण है गोवध का भयंकर पाप इस भारत में समुचित न्याय प्रणाली न्याय व्यवस्था ठीक से तब तक इस देश में लागू नहीं हो पाएगी जब तक भारतवर्ष की धरती गाय के रक्त से रंजित होती रहेगी तब तक इस धरती पर न्याय की संभावना बहुत कम है इसलिए सबको एकजुट होकर के पहले इस देश की धरती को गोवध के कलंक से मुक्त करना चाहिए आप एक सुप्रतिष्ठित वैरिस्टर हैं वकील हैं हाई कोर्ट के ईमानदारी से बताओ क्या न्याय होता है हैं? हां न्याय नहीं होता न्याय बिकता है न्याय खरीदा जाता है बहुत दुखद बात है कभी कभार कोई राम जन्मभूमि का फैसला हो गया ऐसा कोई फैसला हो जाए तो सौभाग्य समझो नहीं तो न्याय नहीं होगा तो हो है, है तो दलती दलती नहीं हो हाँ तो तो हो जी स्वयं के जीवन में भी न्याय नहीं हो अपने साथ न्याय नहीं हो पा रहा है तो दूसरे के साथ न्याय क्या करेगा बिल्कुल सही बात है विचित्र स्थिति है तो इस प्रकार से हाँ तो हम जो कह रहे थे आज भी कुर्सी की बात है कुर्सी के पहले लोग बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं कुर्सी पर बैठते ही पता नहीं क्या हो जाता है कितनी अशुद्ध है वो कुर्सी कि उस पर बैठते ही खोपड़ी खराब इसलिए या तो नई नई कुर्सियाँ बनवावे और उसमें कम से कम पहले एक एक बार नरसिंह भगवान के विग्रह को प्रतिष्ठित विग्रह को विराजमान कर दे उसको शुद्ध कर दे इसके बाद बिठावे नहीं तो पता नहीं वो पुराने आसन तो ऐसे हो गए हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह के कि वो उनकी उनके पहले के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं ना उनकी आत्माएं लगता है उन सिंहासनों में प्रविष्ट हैं प्रतात्माएँ प्रविष्ट हैं और वो आत्माएं लगता है उनके भीतर प्रविष्ट होकर के ऊटपटांग निर्णय कराने लग जाती हैं यह भी हो सकता है कोई पक्का निश्चय हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार की बातें हो रही हैं